गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंता कालीठू सकाळुआ स्कूल हेबा सूचना किछि समय परे ए संपर्क रे चुडांत निष्पत्ति आसी पारे आउ छुट्टी निष्पत्ति नै जिलापालंक उपरे दायित्व छोडा जाइछि अर्थात निज जिल्लार स्थिति को देखि 3 दिन छुट्टी बढाई पारिबे जिलापाल से क्षमता जिलापाल मानंक हातरे रहिछि प्रबल गरम को नजर रखि ए निष्पत्ति निया जाय पारे मुख्य शासन सचिव कहिछन्ति पाणिपाग विभाग रो दिन 2टा रिपोर्ट को अनुध्यान करबा परे स्कूल छुट्टी संपर्क रे निष्पत्ति नेबे सरकार एवं समय मध्य वर्तमान जेतु 2टा अतिक्रांत होई जायछि आशा करा जाय पारे खूब शीघ्र सरकार ए संपर्क रे निष्पत्ति नै पारंती एवं सूचना रहिछि अपराह्न रे विभागीय मंत्री एवं सचिवंक बैठक मध्य बसुछि एवं संभवत ए बैठक सरिबा परे सरकार निजर निष्पत्ति सुनाई पारंती किंतु एहारी भितरे जिलापाल मानंकु क्षमता दिया जायछि कारण आमे राज्य रे देखुछे विभिन्न जिल्ला रे वर्तमान मौसुमी प्रवेश करि सारलानी किछि जिल्ला रे मौसुमी छुई नाही मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर ए सबु जिल्ला रे आमे देखुछे वर्तमान मौसुमी रो प्रवेश होईछि तणु विभिन्न जिल्ला रो स्थिति कोन रहिछि सेटी ग्रीष्म प्रवाह किभली रहिछि ताकु अनुध्यान करि जिलापाल माने निष्पत्ति नै पारिबे अनुन्य 3 दिन से माने छुट्टी मध्य बढाई पारिबे ए संपर्क रे मध्य निर्देश देइछन्ति सरकार कथा आमे पाणीपाग विभाग सहित रेगुलर टच रे अछु तांकर जो रिपोर्ट ता आसीबो ताको देखा जिवो ताको देखिला परे विभागीय सचिव विभागीय माननीय मुख्य मंत्री सहित आलोचना करी निष्पत्ति ता जने देबा मैं स्कूल खोलिया विषय में सर को अवगति कराई थी जहाँ आमर अच्छी टेम्परेचर कंडीशन आम गणशिक्षा विभाग को देदेचु गत काली कथी से फाइल अर्डर ने कौन कर नेक्स्ट तीन चार दिन गुड़गुड़ी आई अच्छी किसी अंचल टी अधिक तापम्रा रही है वेस्टर्न ओडिशा और सेंट्रल पार्ट एसआरसी ऑफिस जो डाटा देवा कथा शिक्षा विभाग नहीं सीटा तो आम जनईचु जो कंडीशन अच्छी तेना तार टाइमिंग से रिशेड्यूल करेंगे कि कौन कर साधारणतः आम देखि था राज्य में रज परे परे खरा छुट्टी सरी जाए और स्कूल खोलिबा आरंभ होइथाय किंतु विगत किछि वर्ष हलानी आम देखुचे रज परे मध्य ग्रीष्म प्रवाह जारी रही प्रबल गरम गुळुगुळी रहुचि से कारणवशत आम देखुचे छुट्टी मध्य विभिन्न समय घुंचा जाउचि बढ़ा जाउचि वर्तमान स्थिति को देखि सरकार मध्य किछि निष्पत्ति नै पारंती महेश प्रसाद नंद आम प्रतिनिधि आम सहित रहउचन्ती महेश कोन निष्पत्ति निया जाउचि ता उपरे समस्तक नजर रहिबो किंतु ता पूर्वरु निर्देश दिया जाइचि जिलापाल मानंक हातरे क्षमता रहिचि सेमाने चाहिले 3 दिन पर्यंत वृद्धि करि पारिबे अन्यपटे पाणिपाग विभाग रु कोन अपडेट आसुचि कोन अनुध्यान करा जाउचि कोन सबु निष्पत्ति आजि आसी पारे देखो जेहेतु बर्तमान गोटे गोटे असह्य ग्रीष्म प्रभाव जारी रही स्कूल खोलवा नहीं कि जो पूर्व जो समय निर्घंट था आसंता का स्कूल खोल जावा नहीं कि समय निर्घंट था सब भितर स्कूल खोल जावा नहीं कि जो प्रक्रिया शिक्षक मैंने आरंभ कर सारी स्कूल सफाई टू नहीं कि एमडीएम तदारख समस्त कथ सर बेले कितु स्कूल खोलवे बाधक साजुच्छे प्रबल असह्य खरा ताति तेणु दृष्टि से रखी बर्तमान जेहतु विभिन्न अभिभावक कहु विभिन्न शिक्षक संघ कथा कहु अष्टा पक्ष कहु विभिन्न पक्षर जो कमलवती छात्र छात्री जमी कौन जो असह्य ग्रीष्म प्रवाह जो प्रभाव न पड़े से अंशुघात शिकार न हमें से स्कूल बंद कर दावी कर दृष्टि जिलापाल मान संपूर्ण अधिकार रही से क्षमता दि जाने स्थिति देखिए निष्पत्ति ने किंतु राज्य स्तर में जब जे मुख्य शासन सचिव से प्रतिक्रिया रखिंट जे ये दिन दुईटा समय जो एसआरसी एसआरसी रिपोर्ट दे सारी किंतु आज दिन दुईटा समय जो पांच जो पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष जो रिपोर्ट आसो जो बुलेटिन प्रकाश रु देखिकी स्कूल गणशिक्षा विभाग समस्त वरिष्ठ अधिकारी जो मैंने से निष्पत्ति ने निष्पत्ति आधार ही परवर्त समय निष्पत्ति स्कूल खोल ना स्कूल बंद हम ना सकाल स्कूल हम तेणु आगामी जी कहे जो पाणीपाग रिपोर्ट कौन आसूत निकट में किसी मौसुमी वर्षा हबार अच्छी कि ना ये जो शुष्क अवस्था भाई ड्राए लग रहा खरा जारी रही सब रिपोर्ट को देखा पर एसआरसी स्कूल गणशिक्षा विभाग मुख्य शासन सचिव बिल्कुल महेश स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्ष संक्रांत में कौन निष्पत्ति निया तो नजर रही किंतु अन्य पटे आम देखुचे राज्य में मौसुमी प्रवेश हो सारी किसी जिले में वर्षा किंतु उपकूल अंचल में प्रबल गरम और गुळुगुळी यार भितर पूर्व निर्देश रही कि जिलापाल मैंने स्थिति देखी हूं तो 3 दिन पर्यंत छुट्टी बढ़े पारे तेणु जिलापाल मानते बर्तमान सबकि निर्भर करुच्च से जगार स्थित कोमी देखि अनुध्यान कर कौन निर्देश दौंत कौन को गाइडलाइन करू चंती महेश।
ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ହିଁ ସର୍ବସର୍ବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହିଁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ହୁଏତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର ତାପମାତ୍ରା ଧର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କି ଆଲର୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସକାଳିଆ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଭିତରକୁ ବା ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ହଉ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ, ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ସପ୍ତାହେ ତିନି ଦିନ ହୁଏ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇଟି କଥା, ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଲାଗିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବେଲ୍ଟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଭଳିଆ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଧର ବର୍ଷା ହବନି ବା ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଥିବ ବିଲକୁଲ ମହେଶ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିକୁ ବଢାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।